अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन सामीन, क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक है? अरे कहना क्या चाहते हो? कोई मसला मसाइल परेशानी तो नहीं? अगर कोई मसला मसाइल परेशानी है तो आप नहीं हो, होना चाहिए क्योंकि आप आ रहे हैं नीक और अतीक अपनी डेली रूटीन के साथ, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे अपने डेली व्लॉग। आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज है सैटरडे। सैटरडे को अतीक दादी वैसे ही बड़ा खुश होता है और आज तो खुशी का अंदाज भी कुछ निराला है। हाफ स्लीव, इतनी धुंध के अंदर, ये देख लो, देखो 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 देखो, इतनी धुंध के अंदर अतीक आपको दिखा रहा है हाफ स्लीव। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर्दी नहीं लग रही? ओ हाथ भी नहीं कांप रहा, हाथ भी नहीं कांप रहा, हाथ भी नहीं कांप रहा, वैसे हाथ वैसे करने लग जाता है। क्या मैं क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल वैसे नहीं 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 कांप रहा। आज खुशी की इंतहा ये है कि आज मैंने लेना है आपको एक और बात बताऊं। अतीक दादी शादीशुदा है, शादीशुदा है, बताया नहीं इतने व्लॉग, 7 के 8 व्लॉग अब तक पहुंच गए। अतीक दादी शादीशुदा है और आपसे मैंने शेयर ही नहीं की ये बात। क्या मैं क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल बतानी थी, मैंने कहा पहले मुझे देख तो लो, सब्सक्राइब तो कर लो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अब तो लो सब्सक्राइबर थोड़े बड़े हैं तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ कुछ शेयर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड और आई हैव अ सन, सैयद फारिस हसन ज़ैदी इब्ने सैयद अतीक मुस्तफ़ा ज़ैदी, जो कि है इस वक्त अपनी नानों के घर। आज से लेना है मैंने साथ और जाना है गांव और उसे लेके जाना है अपने साथ और करनी है लाइफ को एंजॉय और आप भी लाइफ एंजॉय करते रहो। ओए ओए बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, ये नीचे एक लफ्ज लिखा अगर मेरी वीडियो के नीचे SUBSCRIBE नजर आया? आया फॉलो कर दो, लगा दो उंगली इसके ऊपर, कुछ करो तो सही और कोई नई वीडियो ताकि मेरी मिलते रहे आपको। मिलते हैं थोड़ी देर तक। हाँ जी जनाब, काम चेक किए हैं अतीक ज़ैदी साहब के, वो मेरी रीत करता करता मैंने उधर स्विमिंग पूल पे कमीज उतारी, यहाँ तो गर्मी है तो वो उधर जनाब जैकेट पहन के स्लीवलेस वो आए हुए, इसे कोई समझाओ, घर जाके इसने कहने अम्मी जी मुझे अंडा खिलाए। रुको जरा सबर करो, अम्मी मेरे छीने के ऊपर छड़ी लग गई, अम्मी जी मुझे रेछा हो गया। अम्मी ने कह रहे होने पुत्र तेन नजर लग गई है, ये नहीं पता ठंड लग गई। उतर करते बदमाशियाँ, और मेरी रीस बनती है तेरी, हमारा मौसम ही फर्क, हमारी करंसी में फर्क, हमारी जवानी में फर्क, हमारी हर चीज में फर्क। तू बातें करता है, हमारे हुसन में फर्क, और तू मेरे मुकाबले करने लगा हुआ है। तू खुदा का खौफ कर, कुछ खुदा का खौफ कर, कहता मुझे ठंड नहीं लगती, लोगों मुझे ठंड नहीं लगती, तो पहन वाली कोई चीज मेरे मुंह से कोई सुनता है। उधर जाके तूने कहना अबू जी यखनी पिला दे, अबू जी खांसी खांसी खांसी, अबू मुझे खांसी हो गई। ये देखे इधर जी, कोई लोग आके ना सुबह सुबह आके अल्लाह के प्यारे बंदे इधर फेंक देते हैं दाना धुन का, परिंदों के लिए, हशरात के लिए। और एक ब्यूटी ये है कि ये अगले दिन दोबारा उन्हें डालना पड़ता है, ये ख़त्म हो चुका होता है। और वो अंकल बहुत अच्छे हैं, किसी दिन आए तो मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊँगा इंशाल्लाह। A few minutes later. हाँ जी, तैयार श्यार होने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर, ट्रे की है। उसके बाद अभी रिसेंटली बॉस का फ़ोन आया है कि जी आ जाओ ज़रा ऑफिस, मीटिंग है कोई या किसी के घर मीटिंग होगी क्योंकि टारगेटिंग करनी है। तो इस हवाले से मैं तो अब बड़ा परेशान हो गया क्योंकि मैंने लेनी थी बॉस से 11 बजे छुट्टी और मैंने चलना था गुजरांवाला। इधर से गुजरांवाला 1 घंटे का सफ़र है, उधर से आगे हमारा गाँव तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। तो गाड़ी वाले ने था आलमोस्ट तकरीबन 12:30 बजे उधर गुजरा वाला, उसे मैं अबू ने टाइम दिया हुआ था। तो अब नया मसला हो गया, तो अब दुआ करना खैर खैर से मुझे बॉस जल्दी जल्दी छुट्टी दे दें और मैं पहुँचूँ। A few minutes later. ले जी काम हो गया बेहतरीन, मैं अभी आया हूँ रूम के अंदर और पता बॉस का मैंने किया तरला, मैंने कहा सर जी जान दो मैं हफ्ते बाद घर जाना है, सारी सिचुएशन बताइए। बॉस मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मान गए हैं। तो मैं अब डालता हूँ सामान शमान, पैक शैक करता हूँ, जैसे ड्राइवर अबू भेज रहे हैं भाई, पोता घर जा रहा था उन्होंने भेजना है, जाते हुए का किराया हम देते हैं, आते हुए का नहीं, पोता याद आता है तो कहते हैं भाई। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं पैसे देता हूँ, मेरा पोता जिसे कहते ना मेरा बेटा घर ले गया। तो अब पैकिंग वैकिंग करते हैं और साथ साथ रहिएगा। लाल की कमाया कर, लाल की कमाया कर, फिर तू इस तरह हिरकते नहीं करेगा, हम हक लाल की कमाते हैं, तेरी तरह नहीं है,
अबू जी पोता याद आ रहा है तो गाड़ी भेज दे। अबू को ना भी रहा हो तो अबू ने ना भी आ रहा हो तो अबू ने कहना चल यार कल देना। अबू जी पोता याद आ रहा है तो ये मंगा लें। अबू जी ये कर लें। अबू अपना आप काम किया कर, कमाता नहीं किस लिए पैसे कमाता, जोड़ जोड़ के क्या कर रहे हैं, सारे जोड़ नहीं है हमारी तरह देख क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर, पैसा लाएगा खर्चा करेगा तो चर्चा होएगा। देख हमारे चर्चे सिंध से ही तक कोदी बॉय की लाइफ की देख चर्चे होने लगे। ले जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी मिल गई है तो मैंने कहा पैकिंग भी आपको साथ साथ दिखाएं। ये मेरा टैब आ गया तो जा रहे हैं ना गांव में कुछ ना कुछ तो फिर करना है ना। ये मेरा लैपटॉप हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, हम खाली मजदूर नहीं कुछ काम शाम हमें भी पड़ता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको एक नया चीज़ दिखानी है, हमारे मेरे बड़े भाई हैं सफ़ी भाई, उनको उनकी दवाइयों के लिए ना मैंने जिसे कहते हैं ना लेके गया तो गालियाँ उधर से ही पढ़नी है तो मुझे शक पड़ना कि मेरा काम जिसे कहते हैं मैंने काम किया ही कोई नहीं। अब ये मेरे से खुल जाए सही तो उनके लिए लेके जाते हैं दवाइयाँ, हमें बीपी आई हुआ हो तो मेरे पे आई कर रहे हो, बचना चाहिए बचना चाहिए बटियाँ तो बचना चाहिए, एवं मेरे तो बीपी हाई हो जाए। अबू का भी बीपी रहता है मेरे, उनका भी मैं जा कर दवाई शवाई देता हूँ। अभी सभी बीच के लिए ले जाए फिर बाकी दूसरों के लिए अबू के लिए ले जाएंगे, बाद में उनकी शायद ख़त्म हुई हुई है सभी बीच की तो मेरे साथ साथ रहना। आज दिन मेरा बड़ा कमाल दे, ये जो टाइम है ना ये टाइम हाय इसका जवाब ही कोई, इस टाइम का मुझे मैं आपको क्या बताऊँ कोई जवाब है ही नहीं। ये जो ये फीलिंग है ना आज के दिन की, कभी मुझे पीर वाला दिन देख लूँ इस तरह से पीर का भी मज़ा है। आज ये इतवार और पीर बड़ा काम बड़ा बड़ा मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें साथ रहें। A few minutes later. ले जी पार्किंग स्टैंड पे बाइक पार्क कर दी है और अब मैं जा रहा हूँ गुजरांवाला की तरफ और ड्राइवर कहता है कि वो आधा रास्ता कवर कर चुका है और मैं थोड़ा लेट हूँ, दुआ करो जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ इससे पहले कि अबू से फ़ोन करके पूछे कि अतीक आया है कि नहीं। अगर अबू ने फ़ोन कर दिया ना तो फिर घर जाने से पहले ही गालियाँ स्टार्ट, तो बस दुआ करो कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। अगर तो मुझे अभी जल्दी कोई चीज़ मिल गई तो मैं आसानी से पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह से जल्दी पहुँच जाऊँगा, बस दुआ करो मैं खैर खैर से पहुँचूँ। A few minutes later. ले जी चीज़ रिक्शे पे बैठा हूँ, शदरे से आगे जाऊंगा तो कोई चीज मिलेगी, आज तो रश ही बड़ा है, दुआ करो यार। देखो कहते हैं के लो जी फारों के तरले कर रहे, मेरे भी तरले करेगा तो मुझे उठाएगा। उन्होंने कहा अगा माड़े कहता है अगा माड़े चल तरले करेगा तो मैं ते बिठाऊंगा, जा रही कि नहीं यार पूरियां ते कर रही हूं चल दे लो यार फसे के ये देखो ना हम ऑस्ट्रेलियन माइट हैं, हमारी अपनी मर्जी अपनी जब दिल करे जिस मर्जी सवारी को उतार दें, जिस मर्जी चाहे जिसे मर्जी चाहे बिठा लें। हम ये तो नहीं है भाई भाई मैं फ्रंट लूंगा भाई तुम्हें फ्रंट देनी है नहीं मुझे फट्टे पे मेरा लक पीड़ करता है भाई मैं काम कर कर के थका हुआ हूँ भाई, कोई शर्म कर कोई खुदा का खौफ कर। जी मैं पहुँच गया हूँ गुजरांवाला बस स्टॉप शेखुपुरा मोड़, तो गाड़ी वाला मुझे लगता है आ रहा है इधर ही आएगा तो साथ साथ रहिएगा। ले जी इनमें से कोई गाड़ी आनी है जिसे मुझे पिक करना है, पता नहीं अब कौन सी गाड़ी है वो बचिया, कोई गाड़ी नहीं आ रही, वो भाई मुख्तार गया है वो सीधा ना डायरेक्ट भाई वो बच्चे बीवी तेरे ले आए, तू ना यहाँ से रिक्शा पकड़ या टोयोटा पकड़ तो जा अलीपुर चौक और उधर से ना सीधा सीधा हो जा, तूने आई फिर टोयोटे पे पूरा सफर करना है, कोई तूने गाड़ी की फ्रंट सीट पे नहीं बैठना, ये तेरे नसीब में ही नहीं, यहाँ से सीधा हो जा। हाँ जी जी हम जा रहे हैं अब आगे, अंकल जी सलाम कर दो सर को क्या हाल है, तो साथ साथ रहे बस पहुँच गए भाई। तो जी फारिस अब जा रहा है घर और आगे जाके मिलते हैं। लो जी हम आ गए हैं अब अपने शहर और आगे आपको दिखाते हैं और लेके चलते हैं गांव तक। नहीं जी हम आ गए जी चेजब जी आपकी भाभी ने कहा कि जी आप हमने करनी है थोड़ी सी शॉपिंग, अरे भाभी जी मन्नी पैनी है
चलो कराते हैं शॉपिंग हम भी। कुकू वो देख, कुकू कुकू बेटा फारिस के ये अपना मजा ले रहा है और मेरे पैसे लग रहे हैं इसके मजे में। ये जी मेरे गांव को जाते हुए खेत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत प्यारा गांव है। जेलस हो रहा है ब्लैक? नगर के अंदर एंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह हमारे प्यारी मस्जिद गांव की। ये लम हमारे गाँव का। अंदर उत्ते ही चाड़ लिया जो गेट खुला होना है, काला गेट। लो जी आते सार फारिस अपनी जगह पे अपनी मुर्गियों बत्तखों के पास। ये देखे जी हमारा और फारिस का दिन इधर ही ज़्यादातर गुजरता है। लो जी इस तरह मेरा दिन हो जाता है ख़त्म। दुआओं में याद रखना और नीक की बातों पे ज़्यादा गौर ना करना। नीक तुझे मैं कल बताऊँगा इंशाल्लाह। तू आज बड़ा गुंडा बना हुआ है ना, तुझे मैं कल बताऊँगा जो कल तेरे साथ होनी है ना। कल का व्लॉग लाजमी आपने देखना है, आपने कल का व्लॉग लाजमी देखना है।